हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावीज रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टिपिकल महाराष्ट्रियन स्टाइल झणझणी तरी वाला चिकन रस्सा की रेसिपी, जिसे आप चावल, चपाती या पाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पैन में सबसे पहले एक बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे और इसमें दो मीडियम साइज के, देखिए ऐसे रफली चॉप्ड अनियंस हैं, प्याज ये डालेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है काफी अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच सफेद तिल। सफेद तिल डालने से ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें डालेंगे 8 से 10 लाल मिर्च और ये 7 से 8 लहसुन की कलियां। आप देख सकते हैं ऐसे बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां हैं, तो ये मैंने 7 से 8 लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ लिया है मैंने 1/2 कप ग्रेटेड कोकोनट, ये फ्रेश कोकोनट है, अपना नारियल जो होता है उसे ऐसे कद्दूकस कर लिया है। ये डालकर भून लेंगे अच्छी तरह से लगभग 2 मिनट के लिए। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसका गैस बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये सब कुछ ठंडा हो गया है, अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। अब इसमें यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 इंच अदरक और हरा धनिया। हरा धनिया आप देख सकते हैं मैंने डंठल के साथ लिया है, डंठल के साथ डालिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर पेस्ट बनाना है। तो देखिए सब कुछ पीसकर स्मूथ पेस्ट बन गया है, इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, कुकर का गैस ऑन करके इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के इस तरह बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, इसे डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसी तरह पका लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें बिल्कुल 1-2 छोटे चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला। यहाँ पर ये गरम मसाला मैंने पोटे का लिया है, जो कि काफ़ी स्पाइसी और कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए ये बहुत इजीली अवेलेबल है, मार्केट में ही मिल जाता है या ऑनलाइन भी मिल जाता है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो ये लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया 1 किलो चिकन। यहाँ पर ये 1 किलो चिकन इसमें डालकर अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसी तरह भूनना है। ये 5 से 6 मिनट हो गए लगभग भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला जो हमने पीस कर रखा था। अब ये मसाला डालने के बाद भी इसे मसाले से पूरा तेल अलग होने तक इसे लगभग 6 से 7 मिनट तक ऐसे ही भून लेना है। ये आप देख सकते हैं मसाले से तेल काफी हद तक अलग होने लगा है, अब इतना ये काफी है। अब इसमें थोड़ा सा डाल लूंगी मैं पानी, हमने जो मिक्सर का जार जिसमें मसाला पीसा था उसी में डालकर मैं ले रही हूँ। ये पानी थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये चिकन रसा काफ़ी पतला होता है, मीन्स इसकी ग्रेवी बिल्कुल पानी जैसी होती है। तब इसमें मैं 2 बड़ा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका रसा काफ़ी पतला है, इसीलिए इसे चिकन रसा बोला जाता है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। इसमें तेल ऊपर से डाला जाता है और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डालिए या सेम चिकन मसाला डालिए आप, मैंने सेम पोटे का डाला है। अब इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसकी 2 सीटी कर लेंगे। इसमें ऊपर से तेल डालने से ही तरी आती है उसमें अच्छी तरह से। तो देखिए कुकर ठंडा हो गया है और चिकन रस्सा हमारा पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं ये चिकन रस्सा देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, इसका कलर और टेक्सचर टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।